हिंदुओं में तीन प्रधान देव माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा इस संसार की रचनाकार हैं, विष्णु पालनहार हैं और महेश संहारण हैं। लेकिन हमारे देश में जहां विष्णु और महेश के अनगिनत मंदिर हैं, वहीं खुद की पत्नी सावित्री के शाप के चलते ब्रह्मा जी का पूरे भारत में एक मंदिर है, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर में स्थित है। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों दिया सावित्री ने अपने पति ब्रह्मा को ऐसा शाप। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। आपको बता दें कि हिंदू धर्म ग्रंथ पुराण के मुताबिक एक समय धरती पर वज्रनाथ नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उसके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उसका वध किया था, लेकिन वध करते वक्त उनके हाथों से तीन जगहों पर कमल का पुष्प गिरा। इन तीनों जगहों पर तीन झीलें बनी। इसी घटना के बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा था। इस घटना के बाद ब्रह्मा ने संसार की भलाई के लिए यहाँ एक यज्ञ करने का फैसला किया था। आपको बता दें कि ब्रह्मा जी यज्ञ करने हेतु पुष्कर पहुँच गए, लेकिन किसी कारणवश सावित्री जी समय पर नहीं पहुँच सकी। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था, लेकिन सावित्री जी के नहीं पहुंचने की वजह से उन्होंने गुजर समुदाय की एक कन्या गायत्री से विवाह कर इस यज्ञ की शुरुआत कर दी थी। उसी दौरान देवी सावित्री वहां पहुंची और ब्रह्मा के बगल में दूसरी कन्या को बैठा देख क्रोधित हो गईं और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद भी कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता लोग डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी। कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। भगवान विष्णु ने भी इस काम में ब्रह्मा जी की मदद की थी, इसलिए देवी सरस्वती ने विष्णु जी को भी श्राप दिया था कि उन्हें पत्नी के विरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसी कारण राम को जन्म लेना पड़ा और 14 साल के वनवास के दौरान उन्हें पत्नी से अलग रहना पड़ा था। हम आपको बता दें कि ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण कब हुआ और किसने किया, इसका कोई उल्लेख तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि आज से तकरीबन 1200 साल पहले अर्णव वंश के एक शासक को इसका स्वप्न आया था कि इस जगह पर एक मंदिर है जिसके सही रखरखाव की जरूरत है। तब राजा ने इस मंदिर के पुराने ढांचे को दोबारा जीवित किया था। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।